बुंदेलखंड के प्रसिद्ध राई नृत्य को विश्व में पहचान दिलाने वाले राम सहाय पांडे को भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया। राम सहाय पांडे को पद्मश्री मिलने पर झांसी में जीवनधारा फाउंडेशन, बुंदेलखंड पर्यटन विकास और पुरातत्व संरक्षण समिति के अध्यक्ष ने उनको स्मृति चित्र देकर सम्मानित किया। राजकीय संग्रहालय में आयोजित इस कार्यक्रम में राम सहाय पांडे ने बताया कि 6 साल की उम्र से राई नृत्य करने लगे थे। कार्यक्रम में मौजूद बौद्ध और शोध संस्थान के राज्य मंत्री हरगोविंद कुशवाहा ने बताया कि बुंदेलखंड का जो राई नृत्य है वो बुंदेलखंड की आत्मा है। खास तौर से होली के मौके पर पारंपरिक कार्यक्रम में राई नृत्य किया जाता है। बुंदेलखंड का जो राई नृत्य है, जो बुंदेलखंड की आत्मा है, जो सदियों से बुंदेलखंड के ग्रामीण अंचल में लोक कवि श्री गंगाधर व्यास और जितने भी कवि लेखक हुए हैं उसको खासतौर से होली के टाइम पर और किसी अच्छे पारंपरिक उसमें राई यहाँ होता है, उस राई विधा को आदरणीय राम सहाय पांडे जी निवासी सागर ने 8 वर्ष की उम्र से लेकर 93 वर्ष की उम्र तक लगातार 85 साल पूरे देश में और दुनिया के 18 देशों में उसका डंका बजाया। माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने उनको पद्मश्री की उपाधि से विभूषित किया। उनके सम्मान में आज संग्रहालय में प्रदीप तिवारी, उमा पारासर, मुकुंद मेहरोत्रा, नीति शास्त्री, वीर त्रिपाठी और सभी लोगों ने, हम लोगों ने मिलकर के उनका सम्मान किया और 93 वर्ष उनकी उम्र हो गई। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMTNewsFlash।